उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है, शिप्रा नदी के पानी में विस्फोट का वीडियो सामने आया है। विस्फोट के बाद कई फीट तक उछला पानी, पानी से आग भी निकली। पानी में विस्फोट होने से लोगों में खासी दहशत है। लोगों की माने तो 10 दिनों से इस तरह के विस्फोट उज्जैन की शिप्रा नदी में हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। उज्जैन की शिप्रा नदी में पानी के अंदर विस्फोट हो रहा है, और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। लोगों की माने तो 10 दिनों से इस तरह के विस्फोट हो रहे हैं। मकरंद काले हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, ये मामला क्या है, कुछ जांच हुई इसकी, पता चल पाया कि आखिर विस्फोट की वजह क्या है? देखिए, विस्फोट की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने वहां पर आवाजाही बंद करवा दी थी, वहां पर श्रद्धालुओं को जाना रोक दिया था, और उसके बाद प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भी बुलाया है, और थोड़ी देर में टीम वहां पर पहुंच भी रही है, और इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये भूगर्भीय हलचल है या किस तरह का रहस्य है। ये इस सर्वे की टीम की रिपोर्ट के बाद ही समझ में आ पाएगा कि दरअसल इस तरह के विस्फोट हो क्यों रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो है ही, साथ ही साथ लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि शिप्रा नदी के अंदर इस तरह की पहली बार कोई घटना हुई है कि धमाकों के साथ आग भी निकली हो और साथ ही साथ कई फीट तक पानी ऊपर उछला हो। तो ऐसे में लोग वहां पर काफी परेशान भी है, दहशत में भी है, और स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो जरूर प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि अगर किसी तरह का कोई खतरा है तो उन्हें पहले बताया जाए। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने कहा है जब तक सर्वे नहीं हो जाता, जब तक टीम पूरी जांच नहीं कर लेती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी फिलहाल बड़ी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर से आतिशबाजी हो रही है, एक के बाद एक कई विस्फोट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो आसपास के गांव वाले हैं उनका क्या कहना है, जरा सुनते हैं। पिछले 5 दिनों में 2 या 3 बार 3 या 4 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि वहां पर कुछ विस्फोट जैसे भी हुए हैं, चिंगारियां भी निकली हैं, धुआं भी निकला है, तेज आवाज के साथ में चीजें हुई हैं, और कुछ वीडियोज भी ग्रामीणों द्वारा, नगर निगम के पीएचई के अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं। प्रथम दृष्टया जब हमारे द्वारा उज्जैन के कुछ प्रोफेसर्स को जो जियोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनको ले जाया गया, तो उनके द्वारा यह आशंका जताई गई कि एक भूगर्भीय हलचल भी हो सकती है, या फिर जो इसमें गंदा पानी कान के जरिए मिलता था उसमें अगर कुछ ऐसे रसायन या कुछ ऐसी गैस है जो वहां पर ट्रैप हो गई है रिवर बेड में, शायद उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।